दोस्तों, क्या आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर की टॉप 10 सबसे अमीर लोग कौन हैं और जिनकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ को रोजगार मिला है और जिनका नाम अक्सर न्यूज में रहता है? अगर नहीं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद, आप देख रहे हैं जेपी इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सनैलिटीज के बारे में। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं और उनकी नेटवर्क क्या है, तो वीडियो में बने रहिए। इस लिस्ट में नंबर 1 पे आते हैं ताराचंद। ताराचंद जम्मू एंड कश्मीर के एक अमीर शख्स माने जाते हैं। ताराचंद का जन्म 1963 में अखनूर के विलेज चकमलाल में हुआ था। ताराचंद 2009 से लेके 2014 तक जम्मू एंड कश्मीर के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। इसके अलावा वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक फेमस दलित लीडर माने जाते हैं। उनकी नेटवर्थ लगभग $1 मिलियन से $9 मिलियन तक है। उनके पास बहुत सारी कमर्शियल और लग्जरी व्हीकल्स की कलेक्शन है। नंबर 2 पे आते हैं उमर त्रंबू। उमर त्रंबू खैबर हिमालय रिजॉर्ट्स एंड स्पा के एमडी है। वो जम्मू एंड कश्मीर के एक मशहूर शख्सियतों में से एक माने जाते हैं। उनके मुताबिक उनकी नेटवर्थ लगभग 150 करोड़ तक है। नंबर 3 पे आती है हिना खान। हिना खान एक फेमस एक्ट्रेस, मॉडल और टेलीविजन पर्सनैलिटी है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1987 में श्रीनगर में हुआ था। हिना खान को आमतौर पर सभी अक्षरा के नाम से जानते हैं, जो उसे एक टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम करने से पड़ा है। हिना खान बिग बॉस 11 की फर्स्ट रनर अप रह चुकी है। इसके अलावा उसने फियर फैक्टर और खतरों के खिलाड़ी 8 में भी हिस्सा लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिना खान की नेटवर्थ 52 करोड़ तक है। नंबर 4 पे आते हैं गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद का जन्म 7 मार्च 1949 को सोटी जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। गुलाम नबी आजाद को एक फेमस पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया और मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। गुलाम नबी आजाद 2014 से लेकर 2021 तक राज्यसभा के अपोजिशन लीडर रह चुके हैं। इसके अलावा वो 2005 से लेकर 2008 तक जम्मू एंड कश्मीर के सीएम रह चुके हैं। 26 सितंबर 2022 को उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर अपनी एक न्यू पार्टी बनाई, जिसे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का नाम दिया गया। गुलाम नबी आजाद ने 1972 में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से जूलॉजी में अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की। नंबर 5 पे आते हैं फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक फेमस पॉलिटिशियन है। फारूक अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट इलेक्टेड सीएम शेख अब्दुल्ला के बेटे और जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर सीएम उमर अब्दुल्ला के फादर है। फारूक अब्दुल्ला का जन्म 21 अक्टूबर 1937 में हुआ था। वो 1982 से बहुत बार जम्मू एंड कश्मीर के सीएम रह चुके हैं। इसके अलावा वो 2009 से लेकर 2014 तक यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रह चुके हैं। की शादी मौली अब्दुल्ला से हुई है, जो कि एक ब्रिटिश ओरिजिन नर्स है। नंबर 6 पे आते हैं जावेद राही। जावेद राही एक हिस्ट्री के स्कॉलर है, जिनका जन्म 1 सितंबर 1970 में चंदक पुंछ में हुआ है। उन्होंने 2004 में अपनी पीएचडी डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से हासिल की। जावेद राही को बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया है, जिनमें नेशनल फेलोशिप फ्रॉम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर शामिल है। जावेद राही जम्मू कश्मीर के टॉप 10 अमीर शख्सियतों में से एक माने जाते हैं। नंबर 7 पे आते हैं आमिर बशीर। आमिर बशीर एक इंडियन फिल्म एक्टर और डायरेक्टर है, जिनका जन्म जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। वो जम्मू हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के बेटे हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत एक फेमस टीवी सीरियल बंवर से की थी। 2003 में आमिर बशीर ने एक बॉलीवुड मूवी अरमान में काम किया है। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे फेमस मूवीज और टीवी सीरियल्स में काम किया है। उनको 2012 में बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। नंबर 8 पे आते हैं बलवंत ठाकुर। बलवंत ठाकुर एक फेमस थिएटर पर्सनैलिटी और इंडियन स्कॉलर है, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1960 को जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। वो आमतौर पर डोगरी थिएटर को इंटरनेशनल लेवल पर लाने का खिताब रखते हैं। उनको पद्मश्री अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा नेशनल संस्कृत अवार्ड उनको 1992 में मिला है। नंबर 9 पे आते हैं परवेज इमरोज। परवेज इमरोज श्रीनगर में एक फेमस ह्यूमन राइट्स लॉयर और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट है। वो जम्मू एंड कश्मीर कोलेशन ऑफ सिविल सोसाइटी के फाउंडर और प्रेसिडेंट है। नंबर 10 पे आते हैं अशोक कुमार खजूरिया। अशोक कुमार खजूरिया बीजेपी के एक फेमस पॉलिटिशियन है। इसके अलावा वो एक फिलेंथ्रोपिस्ट और सोशल वर्कर है। वो जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी है। उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज और लग्जरी कार्स की कलेक्शन है। दोस्तों, ये थी जम्मू एंड कश्मीर के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन्स के बारे में एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जेपी इन्फॉर्मेशन को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।